हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। मैं हूं अंशु, एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग कर सकता है। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बीएससी नर्सिंग के बारे में पूरी जानकारी दी थी, ये कोर्स क्या होता है, कौन कौन कर सकते हैं। उसी वीडियो में कुछ कैंडिडेट्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं, क्वेरीज हैं कि जो ये एडमिशन है, ये हम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कब ले सकते हैं, क्या इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, कौन से कॉलेज में हम ये एडमिशन ले सकते हैं और हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। गाइस, बीएससी नर्सिंग में दो तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन और एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके आसपास में जो भी नर्सिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट है, आप वहां विजिट कीजिए। अभी सभी कॉलेज और इंस्टीट्यूट बंद है, लेकिन जैसे ही इंस्टीट्यूट कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे तो आपके नियर बाय जहां आप रहते हैं सिटी टाउन में, तो उसके आसपास जो भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट है आप वहां विजिट करिए। उस इंस्टीट्यूट के बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए, कैसा है, क्या रैंकिंग है, और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आप वहां से लीजिए। और एडमिशन लेना है तो आप डायरेक्ट एडमिशन वहां ले सकते हैं। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो कि काफी अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट में आते हैं और वहां बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ये एंट्रेंस एग्जाम कब होता है और कौन कौन से इंस्टीट्यूट है वो, तो इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। मैंने यहाँ पर कुछ 4-5 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जिनको आप भी ये एग्जाम दे सकते हैं। इन एग्जाम को देने के लिए 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। 2019 तक बीएससी नर्सिंग वही कैंडिडेट्स कर सकते थे जिन्होंने अपना 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से किया है। लेकिन 2020 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने एक इन्फॉर्मेशन अपडेट दिया था 2020 जनवरी में कि अब से जो बीएससी नर्सिंग होता है ये किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो चीज है, ये हर इंस्टीट्यूट, पता नहीं किसने अप्लाई किया होगा या नहीं किया होगा या कब से ये एक्चुअल में अप्लाई होने वाला है, तो ये जो सही जानकारी है ये तो आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट से ही मिलेगी। तो अभी तक तो 2019 तक तो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम कौन कौन से हैं वो इंस्टीट्यूट, टॉप इंस्टीट्यूट जहां पर एडमिशन लेने के लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इंस्टीट्यूट जहां से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जहां पर आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसमें आता है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहां से आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तो पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो एम्स दिल्ली ही ऑर्गेनाइज कराता है और ये हर साल जून में होता है। ये एग्जाम हर साल जून में होता है और जो कैंडिडेट इसको क्लियर कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है। सेकेंड, निर्गिम्स में भी आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया, बहुत टॉप इंस्टीट्यूट है बीएससी नर्सिंग के लिए। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस। ये भी बहुत पॉपुलर और टॉप इंस्टीट्यूट है। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो भी जून में ही होता है और जो क्वालिफिकेशन है वो 12th होनी चाहिए पीसीबी से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। मिनिमम आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। इसके साथ साथ जेआईपीएमईआर है। जेआईपीएमईआर मतलब जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर। ये भी एक टॉप और लीडिंग इंस्टीट्यूट है। यहां पर भी आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और उसके बाद ही आप यहां एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो जेआईपीएमईआर ही कंडक्ट कराता है। प्लस इसमें जो एग्जाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस मतलब आपको लिखना नहीं है, चेक करना है जो भी राइट आंसर होगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, जो भी आंसर होगा आप उस पर सही आंसर पर क्लिक कर सकते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये जितने भी मैंने एग्जाम बताए हैं आपको, एम्स के, निग्रिम्स के और जेआईपीएमईआर के, सभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चंस आते हैं। 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और इसके साथ साथ आपका जो 12th है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से होना चाहिए। ये 2019 तक की अपडेट है। इसके अलावा आप HPU यानी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। HPU से आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। एंट्रेंस क्लियर करने के बाद जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके अकॉर्डिंग आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा।
इसमें भी आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए और ये भी एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम मैं आपको बता देती हूँ कि इस एग्जाम को देने के लिए आपको क्या सिलेबस आएगा, क्या पढ़ना होगा। तो 12th क्लास में जो भी आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पढ़ा है वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। सो अगर आपने बहुत अच्छे से अपना 12th किया है या अगर नहीं भी कर पाए हैं, अभी आप फ्री हैं, अपने घर पर हैं और एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अपना 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लीजिए। उसी में से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए आप बुक्स में आपको बता देती हूँ कि प्रीति अग्रवाल, आरएस अग्रवाल, विनोद गुप्ता ये ऑथर हैं, आप इनकी बुक से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अरिहंत एक्सपर्ट्स भी काफी अच्छी बुक है बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और फ्यूचर में अगर आप ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, आप उस पर क्लिक करिए और वो रेड से ब्लैक हो जाएगा, इट मीन्स आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। साथ ही साथ बेल का आइकॉन है, उस पर भी क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं। सो गाइस, जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।